हैं कि दुनिया में किस प्रकार से मरुस्थलीकरण की एक समस्या है, यानी कि जमीन का बंजर होना, बंजर होने से जमीन को रोकना, उस पूरी प्रक्रिया के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है और दुनिया के 197 देशों से लोग यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा देशों के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जो उच्च स्तरीय सम्मेलन होगा उसका उद्घाटन करेंगे। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ग्रेटर नोएडा में इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। तापस, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे सम्मेलन को, तब जबकि पूरी दुनिया आज एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। आपने सही कहा कि एक तरह से जो पूरी दुनिया है उसकी नजर इस वक्त भारत पे है और ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की जा रही है इसमें इस पे नजर होगी, क्योंकि किस तरीके से भारत नेतृत्व करता है अगले 2 साल कॉप का उस पे बहुत हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा से, जहाँ पे COP14 की सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आप जबकि फ्लैग होस्टिंग हुई है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का झंडा लहराया है, इसके अलावा भारतीय तिरंगे को भी लहराया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि वन पर्यावरण और मंत्री भी हैं भारत की ओर से, और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है और इससे पूरे सम्मेलन का प्रेसिडेंट के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर वहां पे एक तरीके से शामिल हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि तब जबकि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसे में भारत इसमें किस प्रकार से